ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਡਾ ਪਊਗਾ ਗੋਡੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅੰਦਰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕਰਾ ਲੋ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਓ ਕਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕੇ ਬੰਨੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਦਵਾਈ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਸੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਸਹੀ इलाज होता है, लोगों को कैसे दवाई मिलती है, ये हम सब जानने के लिए आज जहाँ पर आए हैं और हम आपको दिखाते हैं कि जहाँ पर कितने लोग दुखी हैं। एक तो पहले दुखी होते हैं और सिविल अस्पताल की लापरवाही के साथ और वो कितने ज़्यादा दुखी होते हैं, तो हम यही देखने के लिए यही चर्चा करने के लिए जहाँ पर आए हैं। हाँ जी, मेरा नाम मनजीत सिंह है। मेरा कमान का कोई साधन बच्चा है सीधा जाए जी। हाँ जी, कुड़िया चार है, एक मुंडा वे पास यही है। ऊपर इलाज कभी नहीं होया है? नहीं जी। ओके गोडा पऊगा गोडे से मेरे को पैसे नहीं है गए। अच्छा, गोडे इलाज नहीं कर रहे हैं? नहीं। अच्छा, हेलो। हाँ जी, गोविंदर सिंह जी। ਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਾਪੇ ਨਾਲ ਆਣਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ? ਹਾਂ ਉਹ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੈਣਾ ਤੇਰੀਆਂ? ਤਿੰਨ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਚਾਰ ਪੈਣਾ ਨੇ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਆਣਾ ਇੱਥੇ? ਰੋਜ਼ ਆਂਦਾ ਜੀ। ਰੋਜ਼ ਆਣਾ? ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧੜਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ चार बेटियां ने इस बुजुर्ग दियां ते इत्थे डेढ़ साल तो धक्के खा रहे हैं, इनका कोई इलाज नहीं हो रहा, ते तुसी की करना भाई इत्थे? मैं तो मरीज लेके आया। अच्छा, कितने दिन हो गए थोड़े मरीज नूं इत्थे? मरीज होने आया जी मेरे नाल। अच्छा अच्छा अच्छा, तुसी? मैं मदर दी मेडिसिन लैण आया जी। अच्छा, ते मिल गई तुहानू? नहीं अजे, कदी कहंदे उधर जाओ जी, कदी कहंदे उधर जाओ जी। अच्छा, ते बस मेडिसिन भी लगता इन्होंने बाहर दियां लिखी हुई ने। अच्छा, कदी कहंदे उधरों ले लो, कदी उधरों, तीन चार जगह तक घूमी आ रहा बस मैं। जाने तक के खा रहे हो? जाने तक के खा रहे हो? जाने के दवाइयां मिल ही रही हैं? नहीं नहीं मिलती हुई है। आप यहां क्या करवाने के लिए आए हैं? इलाज करवाने के लिए आई हूं। अच्छा, अल्ट्रासोनिक एक्सरे लिखा है कि अंदर दवाई नहीं है? दवाई नहीं है? बाहर करा लो। एक्सरे भी नहीं यहाँ पर है, अल्ट्रासाउंड भी नहीं है यहाँ पे? डेट लिखा है अल्ट्रासाउंड वाली 20 तारीख को आने वास्ते, तो एक्सरे बाहर करा लो। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड का कोई इंतजाम नहीं है? किसी को कहते हैं 15 तारीख को, किसी को कहते हैं 20 तारीख को, किसी को कहते हैं 25 तारीख को आओ। एक अल्ट्रासाउंड यानी कि गली गली में अल्ट्रासाउंड लगी है, जहाँ पे हर डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड है, लेकिन जो सिविल अस्पताल लुधियाना में आज तक अल्ट्रासाउंड नहीं है। चाहे तो ये हज़ार अल्ट्रासाउंड खरीद सकते हैं, इनके पास सरकार के पास इतना फंड है, लेकिन लोगों को परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, और यहाँ पर अल्ट्रासाउंड का भी प्रॉपर इंतजाम नहीं है। तो की ना थोड़ा? मुकेश शर्मा। शर्मा जी, आपको दवाई मिल गया? सर, डॉक्टर इंतजार में लगे रहे। हाँ जी, वो डॉक्टर साहब उठ के चले गए, अब एक घंटा हो गया आए नहीं। ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब आए थे और उठकर चले गए, घंटा हो गया आए नहीं है। सात नंबर में कहाँ से आए हो आप? हम तो इधर शिवपुरी से। शिवपुरी से आए हैं? और पहले भी आप यहाँ पर कभी आए हैं? पहले भी आए थे। अच्छा, लेडीज प्रॉब्लम थी उनको अल्ट्रासाउंड की इनकी, तो फिर कहते हैं जी बाहर से करवाओ। इनका भी अल्ट्रासाउंड का केस है और डॉक्टर कहते हैं कि बाहर से जाके करवाओ। की ना थोड़ा? हाय, हमारा नाम है राम लखन। राम लखन, कितने दिन से दवाई लेने के लिए यहाँ आ रहे हो? दो साल से। सांस चढ़ती है इनको? सांस चढ़ती है, दो साल से दवाई लेने के यहाँ पे आ रहे हैं, दमे की, अस्थमा की। तो अभी आपको फायदा हुआ कोई? फायदा तो बहुत हुआ, ठीक भी हो गया हूँ, थोड़ा बहुत अभी कमी है। समय पे दवाई मिल जाता है यहाँ पे? हाँ, दवा तो समय पे मिल जाती है। टीबी का दवाई मिलता है यहाँ से? टीबी का तो हम नहीं, नहीं। जो सांस का दवा? हाँ, दवाई मिलती है, ठीक मिलती, मैं ठीक भी हो गया हूँ, अब थोड़ा बहुत परेशानी है बस। हाँ, आपका क्या नाम है? मनिया देवी। मनिया देवी, आप दवाई लेने के लिए आए थे यहाँ? दवाई लेने के लिए आए। दवाई आपको मिल गया? नहीं मिला है। क्या कहते हैं ये डॉक्टर? डॉक्टर बोलता हूँ तो कहता है जाओ 5 नंबर, फिर कहता है 18 नंबर, फिर कहता है जाओ 4 नंबर, अभी नहीं मिला है दवाई।
अच्छा, सुबह से आए हुए हैं आप यहाँ पे? हाँ, सवेरे से आए 9 बजे। तो ये आपके साथ कौन है? हमारे साथ है मेरे। हाँ जी। आप दवाई लेने आए हो? हाँ जी। दवाई मिला नहीं आपको? नहीं मिला। अच्छा ठीक, दवाई मिल गई आपको? दवाई अब कल लगी, नहीं मिली है। नहीं मिला दवाई अभी? अभी हम जितने भी यहाँ पर पेशेंट से बात किया, वो कहते हैं हमको अभी जहाँ से दवाई नहीं मिला, वो सभी लोग कहते हैं 2 नंबर जाओ, 5 नंबर जाओ, 8 नंबर पे जाओ, 2 नंबर जाओ, 3 नंबर जाओ, कोई शुद्ध बता दे, बातें नहीं बताते हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैनू भी पहला कहते उधर जाओ, फिर कहते 3 नंबर जाओ, कभी वो कोई कोई कह बने दसते नहीं पे दवाई पहला। तो तुम की कहना चाहते? सर गल सही है ना, जो कह रहे मरीज वो सही कह रहे हैं, वो कद कह देंगे 5 नंबर जाओ, कद कहते 2 नंबर जाओ, जो उ लैन जाना दवाई उतों कह देंगे, एक दवाई लिख देंगे ने, एक कहते अपने पलो लो, जाने की थोड़ी किसी दवाई नहीं मिलती, इतने जाने की धक्के खाने पै रहे हैं, धक्के खाने पै रहे, बिल्कुल खाने पै रहे। एक बंदा पहले दुखी होंगे, उस तो बाद होर दुखी कर रहे हैं, होर दुखी परेशान आपे हो घूम घूम के बह ही बह जाता है। 20-20 रुपया एक तरफ से लग जाता है, दोनों तरफ से 50 रुपया ऐसे गायब होता है, आ दवाई देते नहीं है, ये दवाई काट के फिर दूसरा दवाई पीछे उसमें चाचा बच्चा वाला में गए तो ले। शुगर का दवाई चल रहा है, बीपी का दवाई चल रहा है, देते नहीं है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, बाहर से लेना है। मेरे पिछावड़ जगह गदूला ने कहना पटियाले जाओ, पटियाले जान जो मेरी हिम्मत नहीं हैगी, ना मेरा को कमाना ना वास्ता, रोज हस्पताल धक्के खा के चल दी घर। आची दी इन्होंने मैनू, कभी कहते हैं कि 2 नंबर से जाओ, कभी कहते 3 नंबर से जाओ, कभी कितने जाओ जी, आ दवाई कितों नहीं मिलती, कभी कहते हैं जिन्हों पुछी तो कहते बाहरों जाके लो, फिर फायदा की है सिविल हॉस्पिटल का, फिर बाहर दवाइया लैनिया, फिर फायदा की है चीज़ का? दवाई लेने के लिए आए? नहीं, मैं सर चैन कराने के वास्ते डॉक्टर को आया था। हाँ जी। उन्होंने किया नहीं मेरे सर। की कहते हो? वो कहते नहीं होना, कुछ भी नहीं होना, मेरी लत्तें दोनों टूटी हुई। अच्छा, दोनों लत्तें सूख गई? हाँ जी। तो सर्टिफिकेट बनवाना आए थे? जी सर। तो उन कहते नहीं बनना है? हाँ, डॉक्टर हड्डिया वाला कहते नहीं बनना। अच्छा। उन्होंने वापिस कर दिया, मैं 3-4 दिन हो गए यहाँ पे धक्के खाते हुए। अच्छा। अगर उन्हें कुछ नहीं किया तो भेजा थोड़ा किसने, कहे बंद ने भेजा थोड़े इतने? किसी ने नहीं भेजा था, मैं आप भी आए थे, ये फार्म इन्हों को पहले लेते थे, फार्म भरे थे इन्हों को। हाँ जी। और बाद च मैं पहले भी 1-2 महीने पहले आया था, उन्हें कुछ नहीं किया, डॉक्टर बदल गया, फिर दूजा आया उन्हें भी कुछ नहीं किया, हूँ फिर मैं आया उन्हों को, कहते नहीं हो सकता तेरा काम, बस यही काम नहीं आया था मैं। मामा दवाई लैना है तुम्हें, इतने दवाई थोड़ा मिल गई? की कहते ने? हाँ नहीं है, नहीं दवाई, दवाई खत्म हो गई इतने, वही कह रहे हैं। अच्छा, कल लवा दवाई दवा दो। हाँ जी, दवाई दवा दो, दवाई इतने मिलती है? नहीं, है नहीं, कहते है नहीं। अच्छा, इन्होंने को भी नहीं है दवाई? किसी को नहीं, नो बडी हैज गॉट एनी मेडिसिन, किसी को दवाई नहीं थी? हाँ, मैं क्लास 1 ऑफिसर रिटायर हुआ, डिप्टी लेबर कमिश्नर पंजाब। अच्छा जी। उस लिखे इन्होंने भी सब फ्री है। हाँ जी। कोई नो मेडिसिन गिवन फ्री, कोई दवाई इतने है? दवाई कोई इतने है नहीं? है नहीं, ये बुरा हाल है, इस तो बाद की होगा? एक पास लिखते हैं प्राइम मिनिस्टर का मैसेज आया कि जिन्हें भी है सीनियर सिटीजन उन्होंने वास्ते फ्री है, इतने कोई फ्री है ही नहीं, ड्रामेबाजी है सारी, झूठ है ड्रामाबाजी, कोई शक नहीं है। मैं कहना सिविल सर्जन बुला के सामने कराओ इतने भी की कर रहे हो, पर जो मिनिस्टर जो अपने अफसर अपने नेता लोग ने वो तो जो थोड़े बीमार होंगे आ अमरीका चल जाते हैं कनेडा चल जाते हैं, वह की गल तुम आप वोटा ही पाने इलाज कराने बाहर जाते अपने तो दवाइया भी नहीं मिलती बारे की कहोगे? वो तो ड्रामा करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते कितने काम करते हैं, वो कह करा करता कुछ भी नहीं, अपने बीमार होंगे इलाज कराने अमरीका चले जाते हैं। हाँ, ये तो है ही है, आम आदमी वास्ते तो कुछ भी नहीं, आम आदमी कुछ नहीं। मैं तो कह रहा क्लास 1 अफसर रिटायर हो कुछ नहीं, बाकी तो छोड़ो, तुहाड़े बच्चे जो बेटे वगैरह जे होर जे है रिलेटिव जे है वो कि हेल्प नहीं करते? नहीं नहीं, आए हाए एक हेल्प करना होर गल है,
जी गवर्नमेंट वालों फैसिलिटीज ने मिलनी चाहिए कि नहीं फैसिलिटियां मिलनी चाहिए गवर्नमेंट वालों कह रहा पेरेंट्स है वो तो हर हर बंद हेल्प करता वह फायदा जब कहते फ्री सन देंगे इतने आके भी सीनियर सिटीजन हो तो मिलो कुछ भी ना तो फायदा की थोड़ा राइट है कि फ्री मिलनी चाहिए ने सिटी सीनियर सिटीजन पर सीनियर सिटीजन दवाइया फ्री गवर्नमेंट कहती है मिलती ने हाँ पर इतने कुछ नहीं है हाँ नहीं कुछ भी नहीं है और टेस्ट कराने दोबारा लिखवाना पिया इधर 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 पिछे लिखे हाँ पिछे पिछे लिखे पिछे लिखा ये वास्ते इन्ना टाइम लगता अस इस वेले एक नूर सेवा केंद्र अगे खड़े हाँ असी इन्हों तो जानना चाहते कि इतने बहुत सारे पेशेंट जे कि इतने खड़े ने कहते दवाइया नहीं मिलती दवाइया नहीं मिलती तो तुम भी सेवा सोसायटी है तुम भी बहुत सारिया दवाइया इतने बंट दौ आगे इन दवाइया बंडने तो बाद फिर भी घाट है ये बारे कुछ की कहना चाहते हो देखो जी असी तो अपने वालों सेवा तो लगे हुए हैं जिनी क सेवा हो सकती है असी जरूर करी दी है हर भी इन्हों की होंगी भी जिनी क परची साढ़े को आती है साडा ये कोशिश होंगी है भी परची दे वध तो वध दवाई असी इन्हों दे दीए असी अपने वालों पूरा कर रहे हैं बाकी सरकारी कम सरकारी तो मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे सरकारी कम सरकारी है चलो तुम भी अपना नहीं टाइम अपना यानी कि देंगे हो तुम सेवा करते हो हैं तो फिर जाने के प्रोपर दवाइया जीडिया डॉक्टर लिखते हैं थोड़ा अपना गलबात नहीं करते दवाइया लिखने तुम यह दवाइया लिया के रखो नहीं डॉक्टर दिड़िया दवाइया लिखिया होंदिया ने उ असी लिया के रखते हैं अच्छा। जीडिया डॉक्टर दवाइया लिखिया होंदिया उ असी लिया के रखते हैं हम डॉक्टर जीडिया दवाइया कह लो डिप्रैशन पेशेंट दियाँ ने मेडिसन्स के उत्ते रोक है हाँ जी NRX ड्रग्स दियाँ ने जी है वो है वो अपने को नहीं अवेलेबल हो सकदियाँ इस करके असी देने तो असमर्थ हाँ क्योंकि कैमिस्ट भरा जोड़े है साढ़े वो रखते हैं तो उन्होंने उत्ते भी काफ़ी सरकारी शिकंजा हाँ सरकारी शिकंजा एक एक गोली का हिसाब रखना पैंता तो वो असी सेवा दे विच असी नहीं रख असी दे सकते बाकी असी इन्हों दियाँ वध तो वध जिहड़ियां होंदियां ने दवाइया अवेलेबल कराई दियां ने तो जिहड़ा समा है वो समा सफला है सेवा च समा खराब नहीं होंदा कभी चलो जी ये कहते जो असी सेवा कर रहे हैं सेवा ही है कि जिन्ना कि वध तो वध हुंदा असी पेशेंट दियां जिहड़ियां दवाइया ने असी इत्थे अपन सेवा दे विच फ्री ऑफ कॉस्ट देंदे ने तो असी बाकी लोगों को पुछते हैं पब्लिक को पुछते हैं माता जी तुसी दवाई लेने आए हो इत्थे हाँ जी अच्छा दवाई थोड़ी मिल गई हाँ जी अच्छा की प्रॉब्लम है थानू मेनू ना लीवर हो गया अच्छा। लीवर है ते ओदे तो पत्थरी है ते ओदा इलाज करनगे डॉक्टर डॉक्टर हूँ देखो इंडोस्कोपी कराई है देखो अपना चेक कराया जी हाँ आप बताइए मेरा बेटा का हाथ टूटा है डॉक्टर ने बहुत मदद किया है अपने तरफ से ब्लेटे लाए दवाई कराता है फ्री का दवाई भी देते हैं ठीक है यानी क्या धन्यवाद हाँ ठीक है ठीक है दवाई मिल जाता है दवाई अभी दो दिन की दवाई मिली सर दो दिन की दवाई मिली टीबी की तीन बार आके जीव दवाई मिली टाइम बहुत लेट हो रहा है बहुत लेट हो रहा है हम सोच रहे मैं चलो जान बचे और बात ना बढ़े बहुत लेट कर रहे हैं इधर हाँ दवाई दे रहे बहुत पीछे पड़ पड़ के दे रहे और क्या सर सिविल हस्पताल लुधियाना का जिहड़ा कि सरकार वालों चलाया जा रहा है इत्थे जिहड़े पेशेंट आते ने उन्होंने प्रोपर दवाइया नहीं मिलदियां कोई कहिंदा दो नंबर च जाओ कोई कहिंदा तीन नंबर कमरे च जाओ जिथे भी जाते हैं खाली हाथ आते हैं सवेरे अपने दिहाड़ी भन के कुछ जड़िया लेडीज़ ने अपने बच्चों घर छड़ के इतने दवाई लैन लिए आदि ने लेकिन वह दवाई उन्होंने नहीं मिलती तो घर चले जाते हैं लुधियाना शहर इंडिया का एक मैट्रोपोलिटन यानी कि बहुत बड़ा शहर समझा जाता है जब इतने लुधियाने के हाल है तुम आप ही अंदाजा लगाओ कि छोटे शहर में सिविल होस्पिटल सरकारी हस्पतालों का की हाल होगा श्री पाल दे नाल कैमरामैन दविंदर ओके ओके ने गोडा पऊगा गोडे जो मेरे को बहन है गए अंदर दवाई नहीं है दवाई हुंदे ने बाहर करा लो फिर कहंदे तीन नंबर ते जाओ कदी ओ कोई कोई के बन्ने दसदे नहीं पे दवाई वाला ए बुरा हाल है ए बुरा हाल है